महाराजगंज प्रखंड के कस्तूरा बंगरा निवासी सुशीला देवी को गांव के ही रंजीत नामक युवक बहला फुसला कर उसे काम दिलाने के लिए जयपुर ले गया, जहां उसके साथ वो दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेलिंग करता रहा। बताते चले कि सुशीला के पति की तबीयत बिगड़ जाने और घर की स्थिति सही नहीं रहने के कारण वो जयपुर काम करने के लिए गई थी। इस घटना के बाद जब वो महाराजगंज स्थित अपने गांव कस्तूरा बंगरा पहुंची तो फिर उसे अपनी आबरू से हाथ धोना पड़ा। उधर रंजीत ने तो उसके साथ मुंह काला किया ही था, उसके बाद गांव में संदीप ने भी उसे नहीं छोड़ा। यह आरोप है सुशीला देवी का। सुशीला का यह भी कहना है कि मैं सुबह से ही महिला थाने पर आई थी, लेकिन मेरा केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह है कि महिला थाने से सुशीला को न्याय मिल पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तबीयत खराब है तो तीन बच्चा है, हम खाने के लिए परेशान हैं, तो हम काम करते हैं गांव में। बोलता है पास में है तो बोलता है कि चलो हम काम धरा देते हैं, ठीक है। तो हम बोला कि चलो कहाँ पे, तो जयपुर गए थे तो उधर 20-30 लेडी से काम कर रही थी, तौली कंपनी में काटते थे, उसमें भी हम काटे थे। तो उसमें काम करते करते वो हमारे पर मतलब नियत डालने लगा। एक दिन के बाद छुट्टी लेकर आके चाकू दिखा के गर्दन पर बलात्कार किया। तो मैंने बोला कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कैमरा कर लिया, वो करके कैमरा करके फोटो ले लिया। बोल रहा है कि जब भी तू किसी से कहोगी तो ये हम दिखाएंगे सब, हम नेट पर डाल देंगे। अभी आप थाना पहुँचे, आवेदन आपसे लिया गया कि नहीं? नहीं लिया, हम 9 बजे से आके बैठे हैं। सुबह 9 बजे से? हाँ, सुबह 9 बजे से बैठे हैं। अभी नहीं लिया गया।